4.5 महीने से वो भी यात्रा कर रहे थे और उनके मिलते ही मेरी स्पीड और मतलब चलने की और जल्दी दर्शन हुए और मेन 25 अप्रैल को पट खुले। डीपीएस तबीजी अजमेर जहां एकेडमिक के साथ है डांस म्यूजिक जूडो कराटे आर्चरी शूटिंग हॉर्स राइडिंग इंडोर थर्मल स्विमिंग पूल। डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नियर तबीजी फार्म रोड अजमेर। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मैं सूरज कुंड मंदिर से मतलब यात्रा के लिए निकला और रास्ते में कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं और मंदिर वगैरह जहाँ भी मैं रुका और जहाँ जहाँ भी मेरा रुका उधर मान सम्मान और अच्छे से मतलब सब ने ध्यान दिया। और दिल्ली से जैसे मैं गाजियाबाद पहुँचा था, गाजियाबाद से मेरे साथ राहुल चौधरी जी जुड़ गए थे जो कि 4.5 महीने से वो भी यात्रा कर रहे थे और उनके मिलते ही मेरी स्पीड और मतलब चलने की और जल्दी दर्शन हुए और मेन 25 अप्रैल को पट खुले। सुबह 6:20 पे बाबा के दर्शन हुए और बहुत अच्छे और बढ़िया दर्शन हुए। और राहुल जी हैं अजमेर से निकल, जब आप रवाना हुए तो रास्ते में किल किल रास्ते में आप दर्शन करते हुए जी अजमेर से निकले, कहाँ का दर्शन किया आपने? अजमेर से मैं निकला तो पहले कोड़ा गणेश के दर्शन किए, उसके बाद किशनगढ़ साई की दरबार थी वहाँ दर्शन किए उदासीन आश्रम का, उसके बाद मैं गया सीधा खाटू श्याम के दर्शन किए और त्रिवेणी धाम ठाकुर जी का मंदिर है त्रिवेणी धाम बादी पीठ में वहाँ दर्शन किए, वहाँ मुझे अच्छे गुरु मतलब गुरु जी का आशीर्वाद वगैरह मिला। और अपने एक खाटू श्याम जी से पहले राधा कृष्ण जी का मंदिर था वहाँ रुका, वहाँ भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा मतलब रुकने के लिए। और अगले दिन खाटू श्याम गया, वहाँ पे भी मेरे को बहुत इज्जत मान सम्मान दिया गया। यात्रा के दौरान आपको किसी तरह की परेशानी वगैरह? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, सब ने अच्छा मतलब सपोर्ट किया और स्वागत किया। कितना समय लगा यात्रा की? हालांकि वैसे मेरा 3 महीने का था टारगेट, पर यह है कि राहुल चौधरी जी के मिलने के बाद मेरी 41 दिन में ये यात्रा कम्प्लीट हुई। कितने किलोमीटर की यात्रा करेंगे? 1150 उसके बाद अजमेर आने के बाद मैं पुष्कर गया, पुष्कर राज ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद अपने चित्रकूट धाम देवनगर रोड पे वहाँ दर्शन किए और उसके बाद अंबे माता मंदिर पंचिल सी ब्लॉक में स्वागत हुआ। आप क्या आगे क्या संदेश देंगे लोगों को?